याया के लिए जी मैं बना रही थी तरबूज। अच्छा, इस साइज का हमें स्पून चाहिए, बड़े वाला। ठीक है, ये देखें जी, इतना हम लोगों को इसका साइज चाहिए, भर भर के हम लोगों ने इस तरह के 3 से 4 जी। याया हो गए तैयार, हम खेल रहे हैं, हम इस शावर बॉटल से खेल रहे हैं। गंदा जल्दी बताओ, अच्छा बना है या गंदा, जल्दी बताओ। अच्छा बना है, यम। याया बोल के दिखाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली आज जी लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल व्लॉग तरबीना के बारे में। आप लोगों को आज पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो जी चलें व्लॉग स्टार्ट। याया के लिए जी मैं बना रही थी तरबीना, तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये क्या है क्या नहीं है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जी सबसे पहले हम इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो जी इसके बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदे हैं, बच्चे खाएँ बड़े खाएँ कोई भी इसको खा सकता है। और जी आप लोग इसके बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, पिस्ता वगैरह, बादाम वगैरह, आप लोगों को जो अच्छा लगता है या आपके बच्चा जो खाना पसंद करता है आप उस फ्लेवर में अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो जी ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है आपके बच्चों के लिए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग बना सकते हो। ये झटपट से 2 मिनट के अंदर अंदर बन जाता है और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट है, मेरा बेटा तो बहुत शौक से खाते हैं। तो जी चलें अब मैं आप लोगों को इसको बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी इसके हम लोग फ़ायदे पढ़ लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो जी इसके देख लें, ये लिखा हुआ है तलबीना जो से तैयार करता है एक इंतहाई मुफीद ग़िज़ा है जिसको तिब्बे नबी में ख़ास अहमियत हासिल है। ठीक है जी, और तलबीना की जो है ये पेश नज़र इसका इस्तेमाल बीमारी, बाद जिस्मानी कमज़ोरी, थकन, परेशानी, गम, भूख की कमी को दूर करने के लिए तजवीज़ किया गया है। तो जी देख लें आप लोग कितने फ़ायदे हैं इसके, आपकी थकन भी मिटा देता है, आपकी परेशानियाँ भी दूर कर देता है। तो जी इसको खाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और जिसको अगर आप लोग अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में डाल लें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें फिर आगे जी लिखा हुआ है, इसमें मौजूद फौलाद और विटामिन कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। तलबीने का बाकायदा इस्तेमाल से आप रोज़मर्रा की ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरा करता है और आपको चाको चौबंद तंदरुस्त और तवाना रखता है। तो जी जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और जी जो लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है अपनी डाइट अच्छी करें और हम अपनी डाइट में कुछ अच्छा डालें, तो आप लोग मेरी तरफ़ से ये अपनी डाइट में ले सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं आप लोग, ये बहुत अच्छा है। तो जी अब आप लोग इसके ये 7 पॉइंट्स देख लें, इसमें क्या क्या है, इसमें कैल्शियम, आयरन वगैरह हर चीज़ है, तो आप लोग लेना चाहें तो ज़रूर लें, ये बहुत अच्छा है। और जी ये 4G कंपनी का है, तो आप लोग वो भी देख लेंगे किस कंपनी का है। आप लोगों को जिस भी कंपनी में मिले आप लोग ज़रूर लें और इसे एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। ठीक है जी, तो ये इसके सारे इन्ग्रीडियंट्स वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। अब जी इसको मैं आप लोगों को बनाने का तरीका बताती हूँ, बहुत से तरीके होते हैं पर मैं अपने तरीके से इसको बनाऊँगी। इस तरह का हम लोगों ने एक फ्राई पैन ले लेना है। ठीक है, और जी हम लोग जो हैं इसमें अब दूध ऐड करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं दूध कितना ऐड करती हूँ और मैं याए के लिए कितना इसको बनाती हूँ। ठीक है जी, इस तरह के हम लोगों ने जो मक्के हैं वो तकरीबन 5 इसके अंदर डाल देने, तो मैं अब आप लोगों को डाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इस तरह मैं डालती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखें जी, इधर जो है दूध में हल्के हल्के से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब जी हम लोग इसके अंदर 5 जो हम लोगों ने कप्स लिए हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें 3 टेबलस्पून जो है तलबीना का डालना है। ये देखें जी, इसकी अंदर से कुछ इस तरीके की पैकिंग होती है। ठीक है, और डब्बे पे लिखा होता है कि जब आप लोग इसे खोल लें तो इसे टाइट जार में डालें, तो मैं आपको जार में भी डाल के दिखाती हूँ। पहले जी मैं इसके 3 टेबलस्पून निकाल कर उसके अंदर ऐड करती हूँ। अच्छा, इस साइज का हमें स्पून चाहिए, बड़े वाला। ठीक है, ये देखें जी, इतना हम लोगों को इसका साइज चाहिए, भर भर के हम लोगों ने इस तरह के 3 से 4 टेबलस्पून डाल लेने हैं। आप लोग अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से डालिएगा, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इस तरह मैंने 3 चम्मच इसके अंदर ऐड करने, तो मैं ऐड करती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए जी, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाले। अब मैं इसे अच्छी तरह से जो हूँ मिक्स करूँगी, मिक्स मिक्स मिक्स, और इसे स्लो फ्लेम पर पकने दूँगी तकरीबन जो है ना 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद मैं जो हूँ इसको फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसकी क्या पोजिशन है। अब जी आप लोगों के पास जो है इस तरह का जार है तो इस तरह का ले लें, इस तरह का जार है तो इसमें मतलब प्लास्टिक और स्टील का कोई मैटर नहीं करता, आप लोग कोई सा भी जो है वो जार ले सकते हैं। तो जी इसके अंदर जो है मैंने जो ना याया के लिए सूजी भून कर रखी हुई है, तो मैं इसकी भी रेसिपी अब लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए अगले व्लॉग में, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा और अगले व्लॉग का वेट कीजिएगा। तो ये देख लें मैंने कितनी सारी याया को खिला चुकी हूँ इसमें से। और जी मैं जो हूँ ना इसके अंदर अब जो तलबीना है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये देखें जी, बॉक्स का ढक्कन मैं खोल चुकी हूँ और ये तलवीना का पैकेट है। तो ये जी मैं सारा जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। और जी कुछ दिन पहले जो है ना, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें भी बुखार था, तो डॉक्टर ने रोटी से मना किया था क्योंकि आजकल वायरल हुआ हुआ है। तो इसलिए जो है ना, मैंने उन्हें भी यही बना के दिया था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत फिट हैं, उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो जी आप लोग भी सब दुआ करिएगा कि मुकम्मल तौर पर वो ठीक हो जाएँ। तो ये देखें जी, अभी हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया और इसे अब हम जो है ना टाइट से जार से बंद करके रख देंगे और ये इतनी जल्दी जो है ख़राब नहीं होगा। तो ये देख लें आप लोग। और जी इसके अंदर मैं जो हूँ सूजी भी ऐड कर देती हूँ कभी कभार 1 टेबल स्पून, पर मैं अक्सर जो हूँ इसी तरह ओरिजिनल ही आय को बना के देती हूँ, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। आप लोग चाहें तो सूजी वगैरह या सवैयाँ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही बनाया है तो आप लोग जो हैं वो कुछ भी ऐड करके डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पर जो है मोहम्मद आया वो मुझे स्टिल तंग कर रहे हैं, तंग करे जा रहे हैं। पानी चाहिए आपको? ओके बेबी, ये नहीं मम पी लो जल्दी से। क्या पी रहे हो आप? क्या पी आपने? पानी। वेरी गुड। हम सब का मालिक कौन है जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखिए जी आप लोग, अब जो है इसमें अब अच्छे खासे जो हैं बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। इसमें देखें आप लोग, खजूरें हैं, इसमें बादाम है जो कि बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये आप लोग ज़रूर एक दफ़ा मंगवा कर बना कर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अपने घर में अम्मी हैं, अब्बू हैं, उन्हें वीकनेस है किसी भी चीज़ की, तो आप उनके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। तो जी ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और इसे आप बनाएँ और खिलाएँ और घर में अपनी वाह वाह करवा लें। ये देखें जी, अब आप लोग, ये आप लोगों को कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, मोहम्मद याया को इतना ही गाढ़ा पसंद है। अगर आपके बच्चों को थोड़ा सा इससे ज़्यादा खाना है, मतलब गाढ़ा पसंद है, तो आप अपने बच्चों को और थोड़ा सा जो है गाढ़ा कर सकते हैं, पर मेरे बेटे को इतना पसंद है तो मैं अपने बेटे को इतना रिकमेंड देती हूँ। तो ये देखें जी, जो छोटे छोटे से आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये जी इसके अंदर थे, क्या कहते हैं उसको, अजवाइन के दाने 3-4 जी, वो भी आ गए इसके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा सा बन जाता है और बहुत ताकत वाला है। ये अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें, खुद खाएं, तो जी आप लोगों के जो है ना सारी मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। आप लोगों को कोई जो है ना दवाई लेने की, विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत अच्छा बेहतरीन काम करने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो अब जी इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी, फिर मैं याया को खिलाती हूँ। ये आप लोगों ने कोई भी इस तरह का बाउल ले लेना है और अब मैं इसको सारा का सारा इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। ये देखें जी, और आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देखें, कितना गाढ़ा और मज़ेदार धुआंदार बना है। तो बस अब मैं याया को खिलाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ याया के रिव्यूज़। क्या करेंगे नाना? करेंगे अभी करने जाएंगे चीजी खानी आपने। ये लो चीजी खा लो बेबी, खोलूं? अच्छा बताओ अभी हम क्या करने जाएंगे? नाना करेंगे। वाओ, ये लो चीजी। जी याया हो गए तैयार, हम खेल रहे हैं, हम इस शावर बॉटल से खेल रहे हैं। ठिया ठिया, अब मोहम्मद याया की बारी। ओ, अब मम्मा की बारी। मम्मा या एक काम करेगा अभी आप लोग देखना। तो जी ये देखें, ये मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, ये ठंडा हो चुका, मोहम्मद याया ने नहा लिया। अब जी याया की खाने की बारी, आ करो आ करो बेबी। तो जी बच्चे जो हैं वो बहुत तंग करते हैं, इस तरह नहीं खाते। तो अब मैं मोहम्मद याया को आप लोगों को खिला के दिखाती हूँ। मैं इस तरह से गोद में इसे ले लेती हूँ, इसे इस तरह से गोद में लेने के बाद इसे पकड़ के बांध के मुझे इसे खिलाना पड़ता है। तो इसलिए जी मैं इसका ना ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर सकती खिलाने पिलाने का। ये देखें आप लोग, नो बेटे नो, कोई छोड़ो नहीं, आ करो जल्दी से, आ करें आ करें। ये कैसा बना है बेबी? कैसा बना है, अच्छा या गंदा? जल्दी बताओ, अच्छा बना है या गंदा? जल्दी बताओ। अच्छा बना है, यम। या बोल के दिखाए, यम। ये लो एक और बाइट आ रही है, एक और बाइट। आ आ आ
तो जी मोहम्मद याए को ये बहुत पसंद आया है। अब मैं मोहम्मद याए को खिलाती हूँ और उसके बाद सुलाती हूँ। तो जी उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। याए बाय कर दो।